हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लाइव ट्रेडिंग वीडियो। आज का लाइव ट्रेडिंग वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने एकदम आपके लिए प्रिसाइज, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, 25 मिनट का नहीं, लर्निंग्स आपको एकदम छोटे से वीडियो में मिल जाए। आज 12th May है और आज फ्राइडे का दिन है, ठीक है। तो आज के दिन में ना हम स्टॉक मार्केट में बैंक निफ्टी ऑप्शंस कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन बाय कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन सेल कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेशन क्या होगी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, एंट्री कहाँ होनी चाहिए, पेशेंस कैसे रखना चाहिए, सब आपको देखने मिलेगा। मेक श्योर ये वीडियो जल्दी जल्दी में मत देखो, जब आपके पास टाइम हो तभी देखो। डेफिनेटली किसी भी वीडियो में ना सब कुछ सीखने नहीं मिलता, लेकिन कुछ कुछ सीखने मिलता है। तो अगर कुछ भी लिमिटेड चीज भी आपके काम आ गई तो करियर का आपको आगे बढ़ा सकते हो। तो मेक श्योर ये वीडियो ध्यान से देखें और चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज 12th of May, फ्राइडे का दिन है और आज हम क्या ट्रेड कर रहे हैं आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं काफी बिजी हूँ बहुत सारी चीजों में और अब मैं इसके बाद ट्रैवल भी करने वाला हूँ, तो ऐसे वीडियोस तो मैं डाल ही नहीं पाऊंगा कम से कम एक महीने तक। बट आपके लिए वीकली सॉर्ट ऑफ प्लान कर रहे हैं कि वीकली सॉर्ट ऑफ मैं पूरा कैसे हमने ट्रेड किया, क्या हुआ, क्या रिजल्ट था, वो वीकली बेसिस पे या कुछ इंटरेस्टिंग हुआ अगर कि यार ये शेयर करने लायक है, भले वो प्रॉफिट वाला हो या लॉस वाला हो कि कैसे लॉस को कम किया, तो जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। बट स्टिल आज का दिन क्योंकि मैं जा इसमें बैठा था कि फ्री होके आपको अच्छे से बताऊं, फॉर्मेट भी सोचा, अब आपको बताऊंगा एग्जैक्टली मार्केट टेक्निकली कहाँ पे है, एंट्री लॉजिक क्या है, फिर कैलकुलेशंस क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, लर्निंग पॉइंट्स क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, ऐसे करके अपने फॉर्मेट सोचा है। तो चलो शुरू करते हैं, चलिए टेक्निकल्स देखते हैं, एक बार मार्केट को स्टडी करते हैं। हमारा बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ रीच कर रहा है, वो सबको पता है, डेटा वाइज भी स्ट्रॉन्ग है और प्राइस एक्शन भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो अब बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे जाएंगे तो हमको ये कल के दिन की कैंडल है एक्सपायरी के दिन की, और यहाँ पे मार्केट आके इसका क्लोजिंग और इसकी कैंडल, ये जो जोन है काफी स्ट्रॉन्ग जोन बना के रखा हुआ था। तो यहाँ पे अपन एक जोन मार्क कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से मार्क कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको मैं कलर थोड़ा सा कुछ और दे देता हूँ। ओके, अब आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, ये रहा हमारा आज का दिन, ठीक है। यहाँ पे मार्केट कल क्लोज हुआ था, तो ये रहा हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। तो कैसा ये प्राइस एक्शन वाइज 2 दिन के टाइम फ्रेम के हिसाब से इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, ये कल मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम सबको मालूम है। तो यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने अपन को पहली ब्रेक, पहली एंट्री दी यहाँ पे 10:35 AM को। 10:35 AM को हमने एक लॉन्ग एंट्री ली है, ठीक है, लॉन्ग एंट्री लेने यहाँ ली है, इस लेवल पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है, विच इज अराउंड 80-90 रुपीज के आसपास, एंड यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का प्लान करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेल करा है मैंने, ठीक है। मार्केट लुक्स थोड़ा साइडवेज सॉर्ट ऑफ भी था तो यहाँ पे ऑप्शन सेल किया, क्या क्या दिखाता हूँ रुक जाओ, ठीक है। फिर क्या हुआ, मार्केट फिर से जाता है और फिर से एक बॉक्स बनाता है, कंसोलिडेट करता है। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट फिर से एक कंसोलिडेट करता है अपने आप को एक रेंज में और फिर से ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे फिर से हमने एक लॉन्ग एंट्री ली है, ठीक है, लॉन्ग एंट्री लेकिन कॉल बाय किया, एक बार पुट शॉर्ट किया है, एक बार कॉल बाय किया। रीजंस होते हैं अपने अपने सबके, सब लोग अपनी अपनी थ्योरी बना सकते हैं, कोई सही कोई गलत नहीं होता, जिसको जो कंफर्टेबल लगता है उसको वही करना चाहिए। यहाँ पे फिर से हमने इस ब्रेकआउट पे एक कॉल एंट्री ली है जिसका रिस्क रिवॉर्ड, जिसका स्टॉप लॉस भी अपन थोड़ा सा यहाँ का ही मेंटेन करेंगे, ठीक है, इस सपोर्ट के नीचे मेंटेन करेंगे, ठीक है, लगभग यही मेंटेन करेंगे जहां पे इसका स्टॉप थोड़ा सा नीचे, और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 सॉर्ट ऑफ प्लान करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है थोड़ा जल्दी निकलना जल्दी घुसना पड़ता है। तो ये हमारे लिए रीजंस हैं, पहला ट्रेड सिर्फ ऑप्शन सेल का, पहला ट्रेड में पी को सेल किया क्योंकि मार्केट ने एक नॉर्मल सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट दिया, फिर टाइम स्पेंड करके मार्केट ने फिर से एक ब्रेकआउट दिया तो सीई भी बाय कर लिया। तो दिस इज द एंट्री लॉजिक ओवर हियर, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको दिखाता हूँ एंट्री क्या हुई है और कैलकुलेशंस क्या है। तो गाइस ये रहा जो ट्रेड हमको यहाँ पे, जो हमको यहाँ पे कॉल बाय करना था वो यहाँ कहीं हमने कॉल इसी एरिया पे कॉल बाय किया हुआ है, प्राइस वहीं पे है, मार्केट क्योंकि बाइंग है तो अभी लगभग ब्रेक इवन दिखा रहा है। 300 क्वांटिटी मैंने बाय की है, 300 क्वांटिटी को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा 171 से तो अराउंड 51,000 रुपीज कैपिटल यूज किया हुआ है, बट डैशबुक फंड्स पे लेके जाता हूँ, अगर आप फंड्स पे देखोगे तो 2 लाख बैलेंस है इसमें, तो 2 लाख रुपए रख करके, ठीक है, डैशबोर्ड पे चले जाओ, 2 लाख रुपए अभी भी बैलेंस दिखा रहा है इसमें, 2.6 लाख बैलेंस है फिर भी 51,000 यूज किया है। तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आप अगर पूरे फंड्स को यूज करोगे तो देख लो डैशबोर्ड में दिखा रहा है 2.6 का बैलेंस है, 51,000 यूज किया है, ठीक है, क्योंकि आपके ऑप्शन बाय के, तो एक छोटा अमाउंट अकाउंट पे बना रखा है।
अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे 625 क्वांटिटी सेल की है, पुट्स की, ठीक है। मैं आपको फिर से डैशबोर्ड पे लेके जाऊंगा। अवेलेबल बैलेंस इसमें देखो, फंड्स पे लेके जाऊंगा, इसमें करीबन करीबन यूज 15 लाख है, अवेलेबल मतलब 17 लाख के आसपास का इसमें बैलेंस है, फिर भी 15 लाख यूज किया गया है। जब चाहे तो 17 भी यूज कर सकते, ऑप्शन सेल में प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कम यूज किया गया है, तो पोजीशन ले ली गई है, ठीक है। अब पैसा छोड़ो, मैटर नहीं करता, रिजल्ट आएगा तो ये पता चलेगा कि अपन को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो रिजल्ट आएगा तो बताऊंगा, कैलकुलेशंस दिखा दी मैंने आपको, तो रिस्क मैनेज्ड है। तो गाइस अब अपन देखेंगे ट्रेड हमारा चलने लगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जो उसको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली वहीं पे प्राइस अभी 43629 और दूसरा 43600। अगर ये दोनों लेवल्स को पार करता है ना, तो इजीली मार्केट ना हमारे टारगेट को हिट कर देगा, और हो सकता है आज 773 का भी हाई तोड़े। तो लेट्स सी क्या होता है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हमारा जो एक अकाउंट था ऑप्शन बाइंग का, उसमें तो प्रॉफिट बुक हो चुका है, ऑप्शन सेलिंग वाले में प्रॉफिट बुक होने वाला है, ठीक है। जस्ट 2 मिनट रुक जाते हैं, दोनों बुक हो जाए फिर बात करते हैं। तो बिल्कुल मार्केट जा रहा है ऑल टाइम हाई की तरफ, मार्केट बुलिश दिख रहा है। लेट्स सी, आई थिंक एक आध मिनट के अंदर अपना दोनों टारगेट हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन से अकाउंट में कितने पैसे बुक हुए। ऑलराइट गाइस, तो अब यहाँ भी हमारा प्रॉफिट बुक हो रहा है। अब एक बोनस अकाउंट और है अपने पास यहाँ पे, ठीक है, जिसमें अपन अभी थोड़ा सा पैसा बुक कर रहे थे। इस अकाउंट से मैं पूरे पैसे निकाल दिया है, और इसमें बस मैंने अभी 2 लाख रुपए यूज करे हैं, 10 लाख था, तो 1,06,000 हमने यहाँ पे बुक कर लिया है। अब चलते दूसरे अकाउंट्स को देखते हैं। तो एक अकाउंट में हमने देखा 1,05,000 बुक किया, ठीक है, 2 लाख यूज करके, तो 10 लाख अकाउंट में था। ये रहा हमारा ऑप्शन सेलिंग अकाउंट, जिसमें आज हमने 15 लाख वो यूज किया। ऑप्शन सेलिंग भी देखो, मतलब इट्स नॉट कि भाई नॉर्मल सी चीज है भाई, 15 लाख यूज करके अगर आप 49,000 बुक कर रहे हो, विच इज अराउंड कितना हो गया 15 लाख का, 3.54% के आसपास हमने यहाँ पे बुक कर लिया, ठीक है। एंड ऑप्शन बाइंग अकाउंट में 50,000 रुपीज का कैपिटल यूज किया, 16,000 बुक किया। ये रहा हमारा ट्रेड, बढ़िया ब्रेकआउट कर चुका है। अब कैसे कई लोग होता है कि और होल्ड करके क्या करेंगे, अपनी भी कंडीशंस होती है, प्रॉफिट बुक किया, अब दिन बंद करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आई होप वीडियो देखे मजा आया होगा। आज के वीडियो में ना अगर कुछ मेरे को आपको सिखाना है, तो वो पता है क्या है, आज जो सेटअप बना, देखो हमारे तो लिमिटेड सेटअप्स में काम करते हैं, और उन सेटअप्स के अंदर भी सब सेटअप्स होते हैं, यानी कि ये वाला ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन के अंदर कौन सा वाला है, ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट की रिवर्सल, रिवर्सल में कौन सा वाला, कंसोलिडेशन वाला कि कौन सा वाला। तो आज का जो सेटअप था ना, ये मई में ना 3 बार और आया था, और तीनों बार फेल हुआ इस महीने। वो सीरियसली लॉस कैसा कैलकुलेटेड होता है, कम 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 होता है, तो 3 बार आके हमारा फेल हुआ ना सेटअप, और चौथी बार आज फिर से प्रेजेंट किया। तो क्या होता है, नॉर्मल ट्रेडर सोचते हैं नहीं यार ये सेटअप घटिया है, ये मैं नहीं लूंगा। कई लोग तो पागल टाइप उल्टा कर देते हैं कि कॉल का पुट खरीद लेते हैं, पुट का कॉल कर देते हैं। हमने स्टिल वी स्टिक टू अवर सेटअप, क्योंकि इसका अप्रैल मंथ में विन रेट 70% के ऊपर था, 75% के ऊपर। इस वक्त महीना खत्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है 10 दिन, बट इसका सेटअप अभी तक 0% था भाई, फिर भी हमने ट्रेड सेटअप लिया, एंड इट मेड अस प्रॉफिट ऑफ अराउंड 1,70,000, दैट इज गुड फॉर द डे। अभी फॉरेक्स का दिन बचा है, क्रिप्टो का टाइम बचा है, लेट्स सी उसमें भी कुछ बनता आएगा, बनेगा तो वो वीडियो भी डाल देंगे। अब इसके बाद क्या, मैं थोड़ा ट्रैवल करने वाला हूँ, वीडियोस थोड़े से आपको अलग टाइप के देखने मिलेंगे, यू नो मैं थोड़ा अपना वॉइस डाल करके वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि इस तरीके से मैं सेटअप वगैरह नहीं रहेगा। तो बट स्टिल मैं ट्रेड जो भी लूंगा या जो भी ट्रेड्स हम लेंगे आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, लर्निंग्स मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और स्टे सब्सक्राइब्ड। अच्छा, नई नई सीरीज चालू करी आप लोगों के लिए, जो भी फ्री में आ रही है आप सब लोगों के लिए, बैंक निफ्टी में आज कैसे ट्रेड कर सकते थे वो भी डलेगा, कल निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स के इंपॉर्टेंट है वो भी डलेगा, कुछ चार्ट पैटर्न्स, कुछ आइकॉनिक डेज, यू नो कुछ ट्रेड एग्जांपल्स, ये सब शॉर्ट्स में आ रहा है, तो मेक श्योर आप शॉर्ट्स भी चेक करते जाए करो जब भी चैनल पे आते हो। तो ओके गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।